सोनीपत के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोर्ट के स्टे के आदेशों के बाद भी अवैध निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। सोनीपत की नगर निगम की टीम जब वहां मौके पर अवैध निर्माण कार्य रुकवाने के लिए पहुंची, तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और टीम को कोई कार्रवाई करने नहीं दी। ये तस्वीरें सोनीपत के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहालगढ़ मार्केट की है, जहां अवैध कॉलोनियों का निर्माण कार्य किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची नगर निगम और डीटीपी की संयुक्त टीम ने जब कार्रवाई करनी चाहिए तो लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाकर कोई कार्रवाई नहीं करने दी और टीम को वापस बेरंग लौटना पड़ा। इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य कर रहे लोगों को चेतावनी दे दी गई है। वहीं डीटीपी की ओर से भी अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य नहीं करने को लेकर चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया गया है। ये एक अनऑथराइज कॉलोनी है, इसको मैंने पहले भी दो बार तोड़ा है और इसमें जिन्होंने ये कॉलोनी बेची है उनके खिलाफ भी पर्चे दर्ज करा रखे हैं और हमने यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रखा है अपना कि ये अनऑथराइज कॉलोनी है, इसमें कोई भी सेल परचेज करना गैर कानूनी है और जिसके खिलाफ मतलब सजा हो सकती है। और अब इन्होंने कोर्ट में स्टे लिया हुआ है हमारे अगेंस्ट। यहाँ पर जो दुकानें बन रही हैं, इनमें 6 दुकानें हैं जिनको हरियाणा नगर निगम एक्ट 94 की धारा 263(a) के तहत सील किया गया है। और आज यहाँ पर डेमोलिशन का अभियान था जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट को इन्होंने अपने स्टे ऑर्डर दिखाए हैं। स्टे ऑर्डर के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इनसे रिटर्न में लिया कि अब कोई कार्य नहीं करेंगे और ये एक बार कोर्ट में केस का डिस्कस करके उस पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोर्ट के आदेशों के अनुसार अप्रैल तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सकता, लेकिन कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों ने अवैध निर्माण कार्य शुरू करवा रखा था। बहरहाल अब इस मामले में देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी।